गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे थे बेटा, और हमने इसमें कल कुछ फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वेलिटी, ठीक है, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लोटेशन एंड द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। ये हमने कर लिए थे फोर। इसके अलावा हमने राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू एजुकेशन के बारे में भी डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। कल्चर मतलब संस्कृति, सांस्कृतिक एंड एजुकेशनल शिक्षा का अधिकार, ठीक है, सांस्कृतिक या संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। इसका मतलब क्या है कि हर एक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कई प्रावधान भी दिए हैं, आपने देखा छोटे बच्चों को भी हम फ्री में शिक्षा देते हैं, और शिक्षा को लेकर या उसकी संस्कृति, उसके कल्चर को, उसे अपने कल्चर को बढ़ाने का आगे पूरा पूरा अधिकार है। उसके साथ हम उसकी जाति धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते। देखिए, इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया एक ऐसी कंट्री है विद मैनी रिलीजियंस, जिसमें बहुत सारे धर्म हैं, कम्युनिटीज, बहुत सारे संप्रदाय हैं, लैंग्वेजेस, काफी सारी भाषाएं हैं, एंड कल्चर्स और उनकी संस्कृति भी डिफर डिफर है। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर, इसीलिए जो संविधान है, क्या कहते हैं, अतः जो संविधान है प्रोटेक्ट कल्चर एंड एजुकेशनल राइट ऑफ द माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज मतलब वो अल्पसंख्यक लोगों की संस्कृति, अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनकी संस्कृति और शिक्षा को बचाने के लिए इस प्रकार का अधिकार देता है। मैंने आपको पहले भी बताया, माइनॉरिटीज लोग वो हैं जो कि संख्या में कम होते हैं, जैसे कि अब हिंदू सबसे ज्यादा है तो मेजोरिटी में हो गए, लेकिन जो बाकी जितने भी धर्म हो गए वो सब माइनॉरिटीज हो गए, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, जैन, ये सब जो हैं आपके माइनॉरिटीज में आते हैं, कि वो माइनॉरिटीज लोग अपने कल्चर की, अपने एजुकेशन राइट की प्रोटेक्शन कर सके, इसलिए उन्हें ये राइट दिया गया है। राइट सभी को है, मेजोरिटी पीपल्स को भी है, एवरी माइनॉरिटी, हर एक अल्पसंख्यक को हैज अ राइट, अधिकार है कंजर्व इट लैंग्वेज, की वो अपनी भाषा का संरक्षण करे, स्क्रिप्ट अपनी लिपि का संरक्षण करें, एंड कल्चर अपनी संस्कृति का संरक्षण करें। सबकी लैंग्वेज, उसकी लिपि और उसकी संस्कृति डिफर डिफर है, वो उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। माइनॉरिटीज हैव अ राइट, और माइनॉरिटीज को राइट है, अधिकार है टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, कि वो अपने चॉइस के अनुसार एस्टेब्लिश, स्थापना कर सकता है या मैनेज, उसका उचित प्रबंधन कर सकता है, किसी का, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को वो ओपन कर सकता है और उसका पूरा मैनेजमेंट देख सकता है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। नो डिस्क्रिमिनेशन शैल बी मेड इन एडमिशन इनटू इंस्टीट्यूशन एडेड बाय द गवर्नमेंट ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजियन, रेस और लैंग्वेज। नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं है, शैल बी मेड इन द एडमिशन इनटू एडमिशन, कि उनका एडमिशन होना है इंस्टीट्यूशन में, तो हम ये नहीं देखते ये बच्चा हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई, इस टाइप का हम कोई भेदभाव नहीं कर सकते। एंड उनके किसी भी बैकग्राउंड को लेकर, मीन उनका धर्म, उनकी जाति, उनकी नस्ल, उनकी भाषा को लेकर हम उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया है कल्चर एंड एजुकेशनल। नेक्स्ट है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इसका क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब स्वैधानिक, कैसा, स्वैधानिक उपचारों का अधिकार। रेमेडी मतलब उपचार करना, कैसा, मींस हमने अभी तक जितने भी फंडामेंटल राइट पढ़े, यदि हमारे उन अधिकारों का हनन होता है, हमें वो अधिकार प्रॉपर नहीं मिल रहे, कोई व्यक्ति हमारे उन अधिकारों का हनन कर रहा है, मींस हमें उन अधिकारों को पाने से वो रोक रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम कोर्ट में जा सकते हैं। ये आपका सिक्स है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। रेमेडी मतलब उपचार करना, हम स्वैधानिक उपचारों का अधिकार है। अ मेयर डिक्लेरेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट इज यूजलेस एंड अनलेस दे आर फुली प्रोटेक्टेड और दे आर मीन टू मेक देम इफेक्टिव। मेयर मतलब केवल, सिर्फ डिक्लेयर कर देना, ये डिक्लेयर कर देना फंडामेंटल राइट संविधान ने डिक्लेयर कर दिए, तो वो यूजलेस है एंड अनलेस है, वो व्यर्थ है, यूजलेस है, उनका कोई मायना नहीं होता। दे आर फुली प्रोटेक्टेड, जब तक कि उन्हें पूर्ण रूप से सुरक्षित ना किया जाए। दे आर मीन टू मेक देम इफेक्टिव, और उन्हें सुरक्षित रखने की या उन्हें प्रभावित करने की कोई ठोस व्यवस्था ना की जाए।
Therefore, अतः द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये गारंटी देता है राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट. हम सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ दीज राइट, इन राइट्स को लागू करवाने के लिए. यदि कोई हमारे इन अधिकारों का हनन कर रहा है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एम्पावर्ड द हाई कोर्ट टू इशू. देखो बेटा ये रिट क्या होता है, रिट बोलते हैं इसे. रिट और ऑर्डर एक ऑर्डर ही होता है, रिट को ऑर्डर ही कहा जाता है. फॉर एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द राइट, कह रहे संविधान द्वारा किसी के भी मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए उच्च न्यायालय को वो रिट या फिर कोई आदेश जारी कर सकता है. द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर द कस्टडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट. सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट जो है वो मौलिक अधिकारों के अभिरक्षक हैं, उनकी कस्टडी में है. किसी भी व्यक्ति की अगर इन अधिकारों का हनन होता है तो ये उनसे लागू करवा सकते हैं. ये तो थे बेटा हमारे फंडामेंटल राइट, ठीक है, मौलिक अधिकार थे. आज हम बात करेंगे इसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज की. फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब कुछ मौलिक कर्तव्य भी, कुछ मतलब 11 मौलिक कर्तव्य भी हमारे संविधान में मेंशन किए गए हैं कि ये हमारी ड्यूटी बनती है. क्या क्या ड्यूटीज है, वो क्या क्या मौलिक कर्तव्य है. देखिए, ड्यूटीज आर रियल सोर्स ऑफ यदि हमें अधिकार दे दिया किसका, यदि हमें अधिकार दिया समानता का, इसका मतलब हम अपने आप को तो समान लागू करवा रहे हैं लेकिन हम दूसरे की समानता को छीन नहीं सकते, हमें उसे भी इक्वल दर्जा देना पड़ेगा. तो हर एक अधिकार के साथ एक ड्यूटी भी जुड़ी होती है. राइट्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन. अधिकार जो है वो क्या है, मतलब अकेले नहीं रह सकते. अधिकार यदि अकेले हो तो उनका कोई मतलब नहीं है. फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसे कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दी गई, मीन्स हम अपनी बात करने का, हमें भाषण देने का अधिकार है. कैन नॉट बी अलाउड, भाषण देने का तो अधिकार है लेकिन कैन नॉट बी अलाउड टू हर्ट अदर फीलिंग. लेकिन फिर भी वो हमें ये अधिकार नहीं देता कि हम किसी दूसरे की फीलिंग को हर्ट करें. मतलब कुछ ऐसे ही उसको बुरा भला बोल दें, भाई हमें तो स्पीच का अधिकार है, ऐसा नहीं. ठीक है, हम उसकी फीलिंग को हर्ट नहीं करें, हम सिर्फ सही बातें ही बोलें. और इनसाइट का मतलब होता है उकसाना, किसी व्यक्ति को उकसाना. पीपल टू राइट, राइट मतलब होता है दंगे, मतलब हम उनके बारे में गलत बोल रहे हैं, ऐसा करकर हम उन लोगों को दंगे फसाद के लिए उकसाएं, ऐसा भी सही नहीं है. द 42nd अमेंडमेंट एक्ट एडेड अ न्यू चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. 42वें संशोधन में जो कि 1976 में हुआ, उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नया चैप्टर जोड़ा गया फंडामेंटल ड्यूटीज का. एंड आर्टिकल 51A और उसका जो अनुच्छेद 51A है स्पीक ऑफ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन. वो सिटीजन की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताता है. वो 11 ड्यूटीज कौन सी हैं, देखिए दे आर एज फॉलोज, नीचे लिखी है ये 11 ड्यूटीज. नंबर फर्स्ट, रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें अपने संविधान का आदर करना चाहिए. एंड इट आइडल्स, उसके आदर्शों का. इंस्टीट्यूशन, उसकी संस्थाओं का. नेशनल फ्लैग, अपने राष्ट्रीय झंडे का. एंड नेशनल एंथम, अपने राष्ट्रीय गान का हमें सम्मान करना चाहिए. ये हमारी पहली ड्यूटी है भारत के नागरिक होने के नाते. सेकेंड, रिस्पेक्ट फॉर द नोबल आइडल्स विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. कह रहे हमें उन उच्च आदर्श, जो उच्च आदर्श थे कि हमें स्वतंत्र होना है, हमें भारत को स्वतंत्र कराना है, सब लोगों को बराबर लेकर आना है, जिसको लेते हुए हमारे जो बड़े बड़े नेता हुए, महात्मा गांधी, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने जिन उच्च आदर्शों को अपनाकर हमारे देश को आजाद कराने के लिए स्ट्रगल कराया, हमें उन उच्च आदर्शों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. रिस्पेक्ट फॉर द नोबल आइडल्स, हमें उन उच्च अधिकारों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए विच इंस्पायर्ड, जिन्होंने प्रेरित किया अवर नेशनल स्ट्रगल और फ्रीडम, हमारी स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए वो प्रेरित हुए. पॉइंट नंबर 3, टू अपहोल्ड. अपहोल्ड मतलब बनाए रखना.
एंड प्रोटेक्ट द सोवर्जिनिटी। सोवर्जिनिटी मतलब मैंने पहले भी बताया, प्रभु सत्ता संपन्न, मतलब एक ऐसा देश जिसके ऊपर बाहर की किसी कंट्री का कोई दखलंदाजी नहीं हो उसके काम में, उसे सोवर्जियन स्टेट कहा जाता है। यूनिटी देश की एकता, इंटीग्रिटी देश की अखंडता ऑफ इंडिया, मतलब भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी सुरक्षा करना, ये भी हमारी ड्यूटी है। नंबर फोर, टू डिफेंड द कंट्री, अपनी कंट्री को बचाना, डिफेंड करना, उसकी सुरक्षा करना, एंड रेंडर मतलब उसका उसको सुरक्षा प्रदान करना, नेशनल सर्विसेज राष्ट्रीय सेवा देकर, राष्ट्र के प्रति सर्विस कर, राष्ट्र के प्रति सेवा कर, वेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, और राष्ट्र सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना, मतलब जब भी जरूरत हो हमारे देश की, हम अपने देश के लिए आगे खड़े मिले। नंबर फाइव, टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एंड टू रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन। कह रहे टू प्रमोट हार्मोनी, हार्मोनी मतलब सामंजस्य को बनाना, लोग लड़े नहीं, हम सब भारत के नागरिक हैं, आपस में मिलकर रहे, ठीक है, भाईचारे को बढ़ावा मिले, एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, यही भाईचारे की भावना, ब्रदरहुड मतलब भाईचारे की भावना या फ्रेटर्निटी बोल सकते हैं हम इसे, एंड रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन, और महिलाओं की गरिमा की भी हम आदर करें, महिलाओं को हम पुरुषों से कम नहीं समझे, उन्हें भी हम बराबर लेकर चले। सिक्स ड्यूटी है हमारी, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व अवर रिच कल्चर हेरिटेज, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व, कि हम जो हेरिटेज का मतलब होता है विरासत, जो हमारी इतनी भरपूर विरासत है, विरासत देख रहे हैं ना, कल्चरल हेरिटेज मतलब अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो अलग अलग कल्चर हैं उनके, ठीक है, अलग अलग संस्कृतियां हैं, कई धर्मों को मानने वाले लोग हैं, कई भाषाओं को बोलते हैं, कई क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, हम उनकी वैल्यू को समझें और उन्हें सुरक्षित रखें, आपस में झगड़े नहीं हम भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर। आगे देखिए नंबर सेवन, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल नेचुरल एनवायरमेंट एंड टू हैव अ कंपेंशन फॉर लिविंग क्रिएचर। कह रहे टू प्रोटेक्ट, रक्षा करें, एंड इम्प्रूव सुधार करें, किसमें, नेचुरल एनवायरमेंट, अपने प्राकृतिक पर्यावरण में। आप देखिए पर्यावरण कितना पोल्यूटेड होता जा रहा है, ठीक है, ट्रीज कम होते जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी होती चली जा रही है, इसको मेंटेन करने के लिए हम रक्षा करें, हम इसको आगे बढ़ाएं, इसको इम्प्रूव करें और इसे बचाएं, कि हमारा जो नेचुरल एनवायरमेंट है वो जो है खराब नहीं हो, उसमें वो डिसबैलेंस ना हो, एंड टू हैव कंपेंशन फॉर लिविंग क्रिएचर, और जितने भी क्रिएचर है, लिविंग क्रिएचर सजीव प्राणी जितने भी हैं उनके प्रति हम संवेदना रखें, बेफिजूल किसी को हम हानि नहीं पहुंचाएं, जानवरों को मारे नहीं, उन्हें भी हम इम्प्रूव करने की कोशिश करें। नंबर एट, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमेनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। कह रहे टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, कि जितने भी वैज्ञानिक है, टेम्पर मतलब उनकी अभिरुचि, ह्यूमेनिज्म मानववाद, मानव के प्रति अच्छा काम करना मानववाद कहलाता है, एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, और हमारे अंदर जिज्ञासा रहे हर काम को जानने की, एंड रिफॉर्म उसमें सुधार करने की, कोई भी वैज्ञानिक काम हो रहा है उसमें हम इंटरेस्ट दिखाएं, ठीक है, हम उसकी इंक्वायरी करें, मानवतावाद के हम सिद्धांत पर चलें और उसमें सुधार करने की भी कोशिश करें। नाइन, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर और रिनंस वायलेंस। एब्ज्योर का मतलब क्या होता है, एब्ज्योर का मतलब होता है त्यागना, हटा देना उसे वहां से, उसे छोड़ देना, और रिनाउंस का मतलब भी यही होता है, त्यागना। क्या करना है इसमें, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, हम जो पब्लिक प्रॉपर्टी जो है, आप पब्लिक प्रॉपर्टी से मतलब समझते हैं ना, जो देश की प्रॉपर्टी है, जैसे आपके रेलवे स्टेशन है, ठीक है, ये सब आपकी सार्वजनिक संपत्ति जो है ना, इसको हम पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं, जो कि देश की गवर्नमेंट ने बनाई है। टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, हम पब्लिक प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखें, एंड एब्ज्यूर टू रेनॉन्स वायलेंस, और वायलेंस मतलब हिंसा को हम त्याग दें। लोग क्या करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट के प्रति आक्रोश होता है या धर्म के नाम पर लोगों के बीच में आपस में बहस होती है, तो लोग जो है वायलेंस करते हैं, मारपीट करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, ठीक है, बसेस के शीशे तोड़ दिए, रेलवे लाइन को नुकसान पहुंचाया, आते जाते लोगों को मारा, पब्लिक प्रॉपर्टी को वो नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें हिंसा को हमें
क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, यदि हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान होता है तो गवर्नमेंट टैक्स के द्वारा हमसे ही वसूलने वाली है। अगर हमारी हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ, मींस हमारा खुद का नुकसान हुआ, तो हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए और हिंसा को त्याग देना चाहिए। नंबर 10, टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन द ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेज एंड हायर लेवल ऑफ अचीवमेंट। कह रहे टू स्ट्राइव, स्ट्राइव मतलब प्रयास करना, टुवर्ड द एक्सीलेंस इन स्फीयर, हर क्षेत्र में अच्छा काम करने की। कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं? इंडिविजुअल, कोई व्यक्तिगत क्षेत्र भी हो सकता है, या फिर कलेक्टिव एक्टिविटी भी हो सकती है, कोई सामूहिक क्रियाकलाप भी हो सकते हैं। उसमें श्रेष्ठता हासिल करने के लिए, अच्छे से अच्छा काम करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, सो दैट ताकि नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस, हमारा देश लगातार ग्रो करे एंड हायर लेवल ऑफ द अचीवमेंट और उपलब्धि के उच्च स्तर को प्राप्त करे। नंबर 11, बोलो इसका मतलब? स्फीयर, स्फीयर मतलब क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों में। 11, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट और गार्जियन, कह रहे ये ड्यूटी बनती है पेरेंट्स की और गार्जियन की, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रन, कि वो अपने बच्चों को पढ़ने के अवसर प्रदान करें बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर, 6 से 14 साल तक के बच्चों को। आप सभी बच्चे स्कूल आ रहे हैं बेटा क्योंकि आपके पेरेंट्स आपकी फीस दे रहे हैं, लेकिन ऐसे पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों की फीस नहीं दे सकते, उनके लिए भी गवर्नमेंट ने प्रावधान दिया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, फ्री शिक्षा दी जाएगी। तो ऐसे में पेरेंट्स आगे आए और अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराएं ताकि उनके बच्चे भी एजुकेशन को प्राप्त कर सके। कह रहे दिस ड्यूटी वॉज इंसर्टेड, पेरेंट्स की ये ड्यूटी बनती है, एंड दिस ड्यूटी वॉज इंसर्टेड, ये ड्यूटी को इंसर्ट किया गया इन 2002 में बाय द 86th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 86th नंबर के अमेंडमेंट में। द ड्यूटीज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व द फॉलोइंग पर्पस, ये जो ड्यूटीज है कुछ मेन पर्पस को, कुछ मेन उद्देश्यों को सर्व करती है, पूर्ति करती है। क्या क्या उद्देश्य है देखिए। नंबर 1, दे टेल अस दैट वी शुड नॉट फॉरगेट द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अवर लीडर लाइक सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद एंड अदर ड्यूरिंग अवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। दे टेल अस, ये हमें बताता है कि हमें उन उच्च आदर्शों को नहीं भूलना है जिन्होंने हमारे नेताओं को प्रेरित किया कि वो देश की आजादी के लिए संघर्ष करें। उन नेताओं के नाम दे रखे हैं ये सब, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, ये सब उनके नाम है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, भगत सिंह है, लाला लाजपत राय है, ठीक है, राजगुरु है, बहुत सारे हैं। हाँ, चंद्रशेखर नमन, बेटा अभी स्पीकर बंद कर दो थोड़ी देर। नंबर 2, द ड्यूटीज फिल अस विद द पेट्रियोटिज्म एंड द लॉयलिटी टुवर्ड द कंट्री। टुवर्ड मतलब की तरफ, मतलब उसके लिए, कंट्री के लिए कैसी भावना हो हमारे अंदर, लॉयलिटी, वफादारी रहे देश के प्रति, एंड पेट्रियोटिज्म मतलब देश प्रेम की भावना हो हमारे अंदर। कह रहे ये ड्यूटी हमारे में फिल करती है, क्या हमारे अंदर देश प्रेम की भावना और वफादारी की भावना को भरती है। नंबर 3, द ड्यूटीज रिमाइंड अस, ये ड्यूटी हमें रिमाइंड कराती है द क्लोज लिंक, की एक बहुत ही गहरा रिश्ता है बिटवीन द एनवायरमेंट एंड अवर वेलबींग, कि हमारे पर्यावरण में और लोक कल्याण के बीच में। अगर पर्यावरण नीट एंड क्लीन होगा तो कल्याण तो होगा ही, हमारे लिए अच्छा ही अच्छा होगा, सब काम हमारे हित में होगा। और यदि पर्यावरण हमारा पॉल्यूटेड होता जा रहा है तो क्या होगा, उन सब का इफेक्ट हम लोगों पर पड़ेगा, ये हम सब लोग उससे प्रभावित होंगे। नंबर 4, द ड्यूटीज टेल अस दैट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी एंड अवर नेशन, अरे ये ड्यूटी हमें बताती है हमारी सोसाइटी की प्रोग्रेस के बारे में, सोसाइटी कैसी प्रोग्रेस कर रही है, अवर नेशन हमारा राष्ट्र कैसी प्रोग्रेस करता है। अरे इट इज असेंशियल, ये बहुत जरूरी है, ऑल द कंट्रीमैन, कंट्रीमैन मतलब जितने भी नागरिक हैं देश के, सिटीजन है, उन सबके लिए जरूरी है, शुड लिव इन हार्मनी, कि वो सामंजस्य से रहें, भाईचारे की भावना को बढ़ाएं
एंड पीस, शांतिपूर्ण रहें विद ईच अदर, एक दूसरे के प्रति कोई भी झगड़ा नहीं हो, भाईचारे की भावना के साथ एक दूसरे को अपना भाई समझते हुए प्रेम के साथ अपने देश में रहें। तो ये हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, और जो ये नीचे चार पर्पस दिए, मतलब ये ड्यूटीज जो है हमारे इन चार पर्पस को पूर्ति करती है। यदि हम अपनी पूरी की पूरी 11 ड्यूटीज को निभाते हैं तो ये 4 जो है पर्पस वो पूरे हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कानून का शासन। कानून का क्या शासन है? देखिए, कानून का शासन क्या है, मैंने आपको बताया एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ, या एवरी सिटीजन इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, कानून के समक्ष, कानून की नजर में सभी व्यक्ति बराबर है, कि एवरी सिटीजन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, कि हर एक व्यक्ति कानून की नजर में बराबर है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सेम अपराध करने पर व्यक्ति को सेम ही सजा मिलती है, चाहे वो देश का कोई बड़ा अधिकारी ही क्यों ना हो या फिर वो एक कोई गरीब व्यक्ति ही क्यों ना हो। ठीक है, देखिए क्या लिखा है इसमें, इंडिया इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया वो विश्व की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक है, सबसे बड़ा संविधान भी है यहाँ का। द रूल ऑफ लॉ इज द फाउंडेशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, के रूल ऑफ लॉ जो कानून का शासन है, फाउंडेशन मतलब वो आधार है इस डेमोक्रेटिक सिस्टम का, लोकतांत्रिक का आधार है। रूल ऑफ लॉ के बिना भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं, हमारी डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं। द रूल ऑफ लॉ मीन्स, कानून के शासन का मतलब है ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, सभी लोग बराबर है कानून की नजर में, कानून के समक्ष, कानून के नजरों में सभी लोग बराबर है। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, कोई भेदभाव नहीं कर सकता अगेंस्ट एनी सिटीजन, किसी भी सिटीजन के साथ, ऑन ग्राउंड ऑफ कास्ट, उसकी कास्ट जाति को लेकर, क्रीड उसकी नस्ल को लेकर, रिलीजन उसके धर्म को लेकर, सेक्स वो मेल है या फीमेल है इसको लेकर, या उसके सोशल एंड फाइनेंशियल स्टेटस, या उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को लेकर, कि समाज में उसका स्थान कैसा है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, अमीर है या गरीब है, इसको लेकर कानून कोई भी भेदभाव नहीं करता है। इट ऑल्सो मीन्स दैट नो वन इज अबव द लॉ, इसका मतलब क्या हो गया, नो वन इज अबव द लॉ, कि कानून से ऊपर कोई नहीं, सबसे ऊपर कानून है। नॉट इवन द गवर्नमेंट ऑफिशियल, यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, और द रिच इंडिविजुअल, चाहे वो गवर्नमेंट का अधिकारी क्यों ना हो या फिर कोई एक कोई रिच व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। द गवर्नमेंट रन ऑन द बेसिस ऑफ अ सेट ऑफ रूल एंड लॉ, कह रहे जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, वो किसके अनुसार अपना काम चलाती है, उसका प्रशासन किसके अकॉर्डिंग चलता है, सेट ऑफ रूल एंड लॉ, कानून और नियमों का एक सेट है जिसके अकॉर्डिंग हमारी सरकार काम करती है। नॉट अकॉर्डिंग टू विम्स ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, विम्स मतलब इच्छा, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार काम नहीं करती। देश के पीएम ने सोचा मुझे ये काम करना है तो उसने कर दिया, नहीं, उसे जब भी कोई नया कानून पास कराना होता है तो लोकसभा में पहले वो नया कानून पास होता है, उसके बाद वो लोगों तक आता है। ठीक है, किसी की व्यक्तिगत इच्छा पर नहीं चलता हमारा देश, या डिक्टेट